लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने नई सरकार के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। भाजपा ने देश के लोगों से फ्री बिजली से लेकर 5 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रखने का वादा किया है। इसी के साथ संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने का भी वादा है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना को लॉन्च कर लोगों को ज्यादा बिजली बनाकर पैसे कमाने का अवसर दिया जाएगा। मुद्रा योजना की सीमा अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया है कि वो देश में जल्द ही यूसीसी लागू करेंगे। भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों से भी एक खास वादा किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब आयुष्मान योजना के दायरे में 70 साल की उम्र से ऊपर के हर बुजुर्ग को लाया जाएगा। आयुष्मान योजना के दायरे में अब ट्रांसजेंडर भी आएंगे। संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़ी बातें भी कही। पीएम ने कहा कि हम देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने पर कदम बढ़ाएंगे और आगे भी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं।